पापा कसम, इतनी हॉट गर्मी में अपनी वाइफ के साथ रोमांस करने का मजा ही कुछ और होता है। तुम्हारा क्या ख्याल है? भैया हमारा ख्याल छोड़िए, वो देखिए लौंडा लाला। आओ बे, लौंडा लाला की खिंचाई करे। रब दा वास्ता तू तड़पेगा। गुड मॉर्निंग लाला। कोई बात नहीं बेटा, गुड मॉर्निंग लाला जी। राम राम। भाई भाई बोलो बेटा। लाला क्या तुम्हारी दुकान पे है ताला? कोई बात नहीं बेटा, है ना ताला? छोटा के बड़ा भैया? बड़ा वाला। हाँ हाँ, अभी ला के देते। जल्दी भाई जल्दी। अच्छा देखो बेटा, ताला बहुत बढ़िया है, और तीन तीन तो चाबी है। अबे बहुत बड़ा वाला ताला है। एक काम करो गुरु। हाँ। इसको पकड़ो और अपनी दुकान पे चौड़े में लगा दो। कोई बात नहीं बेटा। अपनी ही दुकान में ताला। ऐ बिजी पांडे, ऐ मजाक कर रहा हूँ, ताला दे मारेंगे। ऐ बिजी पांडे, देख लेंगे तुम्हें। अबे हम देखने की चीज है, देख लो चौड़े में। अबे गुड्डू, हमने कुछ और देख लिया है, सुत्ती लाल की दुकान। आहा, हमको चाय पिलाओ गरम गरम। भैया सुत्ती लाल का पहले ही उधार बाकी है। अबे बहुत अच्छी चोर हो, तीन महीने हो गए उधार ना चुकाए, अभी तक कहीं शर्म नहीं आती तुमको? हम कहाँ से चुकाए भैया, आप चुकाइए। आप लायर हैं? बहुत बढ़िया गुरु, हम लायर हैं, तुम टायर हो। अभी कहाँ चुकाएंगे उधार, यहाँ पे जेब जो मोबाइल पड़ा हुआ है गुरु, उसके रिचार्ज करने के पैसे है नहीं, तुमको चाय पिलाएं। चलो गुड्डू। अबे हमारी सासू माँ घर में सन्नाटा क्यों लग रहा है यार? अरे मौसी हमीरपुर गई है। क्या? और सुरीली? सुरीली घर में होगी। क्या बात है, आज तुम्हारे नाम तो मामा के साथ। लौटो भैया। अरे तुम लोगों को पता चला? क्या पता चला बे? अरे कछुआ चाचा की टांग टूट गई। क्या बात कर रहे हो? अबे कछुआ टाटा की टांग टूट गई। अबे ताली बजाओ, कछुआ चाचा की टांग टूट गई। ये हॉस्पिटल में है। क्या बात कर रहे हो? इंदु भाभी और एलिजा गए हैं देखने। अबे तुम नहीं गए देखने? अरे दुकान में कोई नहीं था ना। अबे बहुत बड़े वाले निकले सुत्ती लाल, कछुआ चाचा अस्पताल में हो, तुम यहाँ दुकान पे हो, शर्म नहीं आती बे? जाके हालचाल पूछो यार, हम तुम्हारी दुकान देख लेंगे, है कि नहीं गुड्डू? हाँ भैया, समोसा जलेबी चाय हम संभाल लेंगे। इतना है तो तुम काहे नहीं चले जाते, यहाँ खड़े होकर लफबाजी कर रहे हो? हमारा जाना जरूरी है का? लल्लन जी नहीं गए, लौंडा लाला नहीं गए, और मामा भी तो नहीं गए। सुत्ती लाल पावर जलेबी देना। वो का है? अबे यार कौन समझाएगा इसको? अबे जा रहे कछुआ चाचा से मिलने के लिए अस्पताल, तुम्हारे नाम की जलेबी लेके जाएंगे, कहेंगे तुमने बुलाए, गेट वेल सून, जल्दी दो बे। टाइम निकला जा रहा है रोमांस का, जल्दी ला रहा है भैया, ला रहा है। डेढ़ सौ ग्राम जलेबी। अबे 150 ग्राम में क्या होगा? कहा है कि कछुआ चाचा इतने ही खाते हैं ना। अबे गुड्डू चलो। अरे कछुआ चाचा को हॉस्पिटल देखने जा रहे हो ना? जी नहीं, हम जा रहे हैं अपने ससुराल, अपनी वाइफ सुरीली से लव बाजी करने। भैया क्या है बे? मजा नहीं आ रहा। अबे तुम्हारे मजे के लिए नहीं भौंक रहे हैं, हम तो अपनी डार्लिंग जाने तमन्ना जाने बाहर जाने वफा सुरीली के लिए भौंक रहे हैं गुड्डू। अरे भैया तो थोड़ा रोमांटिक भौंकिए, ऐसे तो ना भाभी आएंगी न मौज आएगी। अबे इधर सुनो, रोमांटिक कुत्ते नहीं होते, रोमांटिक बर्ड्स होती है। किसी बात पे एक अच्छी थी रोमांटिक बर्ड का नाम बताओ। बर्ड मोर। जियो गजर, चेहरा है चोर की तरह, बातें कर रहे हो मोर की तरह, चुप्पे खड़े रहो, हमें मोर बनने दो। अबे अबे मामा हो या पजामा? अरे पजामा तो पिताजी थे भाई, ये बताओ तुम इतने बेसुरे क्यों भौंक रहे हो? अबे बेसुरा भौंक नहीं रहे हैं, सुर में मोर की आवाज निकाल रहे हैं। आए, आए।
है, समझे? सुर में तो पिताजी भोंकते थे जब उन्हें अम्मा को बुलाना होता था। लेकिन इस वक्त तुम्हारी अम्मा को नहीं बल्कि मोर बन के विदाउट पंख तुमको बुला रहे हैं। क्यों भाई, हमें क्यों बुला रहे थे? अरे आपको पता है कछुआ चाचा की टांग टूट गई है। हाँ पता है। अरे सीरियस है? बिनी पांडे, कछुआ चाचा तो बचपन से ही सीरियस है, कभी तुमने उन्हें हंसते देखा? अरे भाई उनकी टांग की चोट दिमाग तक पहुंच गई है, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है। अच्छा, लेकिन सवाल किसने किया था? अरे यार पापा कसम समझने की कोशिश कीजिए, कछुआ चाचा निकलने वाले हैं, इससे पहले कि वो निकल जाएं आप जाके उनसे मिल लीजिए, आपको बहुत याद कर रहे थे, उनका अंतिम समय आ गया है। भाई चले तो जाते लेकिन घर किसके सहारे छोड़ के जाएं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं, आपका ये गुड लुकिंग सा यहाँ पे हैंडसम सा दामाद सामने खड़ा हुआ है, वो घर देखेगा। दामाद जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, आप है तो हमें किस बात की चिंता है। सुरीली बेटा सुरीली, जल्दी आओ। आयो माँ। सुरीली वी, पापा कसम क्या लग रही हो, ये देखो तुम्हारे लिए जलेबी लेकर आए हैं, आ जाओ। अरे तुम आगे कहाँ रहे, तुम पीछे जाओ। अरे आगे आएंगे, जलेबी अपनी बीवी को खिलाना, हटिए। लो जलेबी खाओ। आई भी यम 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 चटर पटर चटर पटर चटर पटर चटर। आहा क्या खूब लगती हो जब तुम जलेबी सूतती हो। ए ए ओ आयो 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 ए ओ ए ओ जलेबी भाई, जलेबी भाई। अबे जलेबी भाई नहीं, हमारी वाइफ है। रोमांटिक गाने को जो आइटम नंबर ना बनाओ दिन घंटा आप तुमको। और आप यहाँ क्यों खड़े हैं, जाते क्यों नहीं हैं? अरे हाँ हाँ चलो बेटा सुरीली, चलो 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 चलो। अरे 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 सुरे, अरे सुरीली को कहाँ ले जा रहे हैं? अरे भाई देखो ऐसा है, सुरीली भी कछुआ चाचा को देख लेगी। देखो ऐसा है सुरीली बेटा, कछुआ चाचा का समय आ गया इसलिए चलो। अरे एक सेकंड, समय आ गया है, गर्मी बहुत है, अस्पताल में बेचारी जाएगी, बीमार पड़ जाएगी। सुरीली तुम अंदर चलो चौड़े में, हम आ रहे हैं। एक मिनट, अब भाई देखो ऐसा है, सुरीली को कछुआ चाचा ने बचपन में गोदी में खिलाया है इसलिए इसका उन्हें देखना बहुत जरूरी है। चलो बेटा एक सेकंड, एक सेकंड, हम भी आ रहे हैं। अरे तुम बताओ भाई, देखो अब घर खाली नहीं छोड़ सकते, यहाँ कोई चौकीदार नहीं होगा तो घर में कोई चोर घुस आएगा, इसलिए तुम यहाँ की रखवाली करो। चलो बेटा चलो, चलो। अरे सुन, अरे सुरीली। अबे तुमको क्या हंसी आ रही है? अरे भैया मामा आपको मामा बना के चले गए। अरे बेटा पूछते एक बार बताइए मरीज कहाँ है भाई, मरीज को देखना है। आप डॉक्टर हैं जो मरीज देखेंगे? अरे डॉक्टर तो पिताजी थे। तो अपने पिताजी को भेजिए क्योंकि डॉक्टर मरीज देखता है ना। नहीं पिताजी मरीजों को देखने यहाँ नहीं आ सकते, अगर मरीजों को उनसे मिलना है तो उन्हें आप भेज सकती हैं ऊपर। पागल हो क्या? अरे पागल तो पिताजी थे, ये बताइए मरीज कहाँ है। आइए देखिए। अरे कछुआ चाचा, कछुआ चाचा। अरे वाह 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 वाह। हाँ क्या कर रहे हो? अरे बस आपके हालचाल पता करने के लिए आए हैं। ओ अरे वाह कछुआ चाचा, वाह वाह। आने वाले मेहमानों के लिए आपने बड़ा अच्छा प्रबंध कर रखा है, खाने पीने का भाई केले हैं, सेब हैं। ये वो कछुआ। अरे कछुआ चाचा, अरे ये पूछ रही है और हम भी पूछ रहे हैं कि आपको ये चोट लगी कैसे? लगी कैसे? अरे लापतागंज में एक मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी। ओहो, आगे से या पीछे से? चलो तो कचकी अम्मा साइड से। ओहो फिर क्या हुआ? अरे फिर क्या होना था, हम गिर पड़े, पैर टूट गया, दो फ्रैक्चर हो गया। अरे तो आपने मोटरसाइकिल वाले को पकड़ा क्यों नहीं? ए भाई हम गिर गए थे ना तो कैसे पकड़ते, वो रिक्शा वाला आया, उसने हमको उठाया और अस्पताल लेके आया। और अरे छोटू सो गया। अम्मा ओ, ओ, भाई सोने भी नहीं देते हैं ठीक से।
अरे अरे कछुआ चाचा, हाँ और बताइए क्या हाल है? अरे बताए तो। अरे हाँ 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 हाँ, तुरली बेटा कोई खाली पलंग देख के वहाँ पर आराम कर लो, हैं? हम भी आराम करते हैं। अम्मा, अरे कोई बात नहीं बेटा, अपने ही पलंग है। अच्छा अच्छा था, उठो, यहाँ पलंग पे क्यों लेटे हो? अरे पलंग पे तो पिताजी लेटते थे। अरे हमसे मिलने आए थे। मिल लिया, चलो चलो मरीज को आराम करने दो। अरे हमको इनसे कपड़े धुलवा रहे हैं जो आप बोल रहे हैं मरीज को आराम करने दो, क्यों कछुआ चाचा? जाओ आराम करो। हाँ हाँ आराम ही कर रहे हैं। एक बात बताइए, यहाँ पर एक नर्स थी, अब मोटी सी गोरी सी सुंदर सी मंदाकिनी, कहाँ है मंदाकिनी? मंदाकिनी की ड्यूटी आजकल फीमेल वार्ड में है। अरे तो एक काम करो, कछुआ चाचा को भी फीमेल वार्ड में डाल दो। पागल हो क्या? ये मर्द है, जनाना वार्ड में इनको शर्म नहीं आएगी? अरे कैसी बातें कर रही हैं आप, ये पैदा भी तो जनाना वार्ड में हुए थे, क्यों कछुआ चाचा? अब मंदाकिनी को बुलाओ, चलो अभी बुलाती हूँ। ए शंकर इधर आ, इनको उठा के बाहर कर। कछुआ, क्या मंदाकिनी नर्स वाकई सुंदर थी? होती हैं, कोई कोई नर्स सुंदर भी होती हैं। पर ये तो इतनी सुंदर नहीं है। कोई कोई नर्स सुंदर नहीं भी होती हैं। आप सो जाइए। इंदु भाभी, कछुआ चाचा कैसे हैं? बातचीत तो कर पा रहे हैं ना? कहाँ ज्यादा चोट लगी है? कौन सी टांग टूटी है? कछुआ चाचा के हाल कैसे हैं? हाँ। बहुत जल्दी याद आ गई तुम सबको कछुआ चाचा की? इतने दिनों से उछल फिर रहे थे, तब ख्याल नहीं आया उनका हाल पूछने के लिए। अब जब वो अस्पताल में भर्ती हुए हैं, तो सबको उनका हाल पूछना है। मतलब यही है ना कि किसी का हाल पूछने के लिए उके अस्पताल में भर्ती हो जाने तक का इंतजार करना पड़ेगा। का हुआ कछुआ चाचा को? टांग टूट गई है। का? हमसे किसी ने बताया काहे नहीं? ललन जी को तो पता था। का ललन जी, जब आपको पता था तो हमें काहे नहीं बताया? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। एक बात कहे ललन जी, आप कसम से बहुत बड़े लल्लन हैं। अरे हमें बताया काहे नहीं कि कछुआ चाचा की टांग टूट गई? बताए देते तो का कर लेते। फुर्सत है तुम्हारे पास किसी के लिए? जब से वो मोबाइल लिए हो ना, तब से तुम्हारे दोस्त बहुत बढ़ गए हैं और दोस्ती कम हो गई है। फोन पे ही सबका हाल पूछ लेते हो, का है कैसे हो, सब कुशल मंगल है। सामने खड़ा है वो, का हाल का है वो जाने की कभी जरूरत नहीं समझी तुमने। एलिजा से पूछो, आज कछुआ चाचा की आंखों में आंसू आ गए थे कहते हुए कि सब तेजी से भाग रहे हैं, बस हम पीछे छूट गए। कछुआ जो है छूटते हैं, कुछ लोग पीछे भी छूट जाते हैं। हमको बहुत बुरा लगा। अरे, आगे बढ़ने का मतलब ये थोड़ी ना है कि अपनों को ही पीछे छोड़ते चलो। हमसे भूल हो गई इंदु भाभी, हमका माफी दे दो। हम अभी कछुआ चाचा को फोन करते हैं। अभी भी फोन पे ही हाल पूछोगे? अरे कछुआ चाचा के पास फोन कहाँ है? अरे चुप रहो चौरसिया। बहनों जी, हम जाएंगे कछुआ चाचा को देखने। अब जब सभी जा रहे हैं कछुआ चाचा का हाल पूछने, तो हमारी दुकान पे भी तो कोई आएगा नहीं। चलो हम भी चलते हैं। चलो 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 चलो, सब एक मिनट, हम मेला देखने जा रहे हैं का? अस्पताल है, कोई चिड़ियाघर नहीं है। एक एक करके जाओ, धीरे से उनका हाल चाल पूछो, उन्हें हौसला दो,
उनसे कहो कि हम सब तुम्हारे साथ हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जाएंगे। हाँ प्रभु, आप नहीं चलेंगे का? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। आपसे कोई कहेगा भी नहीं। अरे मुकरी बाबू, अरे अरे रुकिए भाई। अरे प्रणाम। का मुकुंदी बाबू, कैसे हैं? कछुआ चाचा अस्पताल में भर्ती आप हैं और हालचाल हमरा पूछ रहे हैं। कहिए का हो गया? अरे कुछ नहीं, हड्डी टूट गया बस। ओहो, कैसे हुआ ये सब? अरे बस हम जा रहे थे। हेलो शर्मा जी, जी क्या हाल? जी हम अस्पताल में हैं। नहीं नहीं, हमें कुछ नहीं हुआ है, हम किसी को देखने आए हैं। जी फोन करते हैं। कहिए कछुआ चाचा, कैसे हुआ ये सब? हम जा रहे थे। हेलो, हाँ क्या हाल है, सब ठीक है? हाँ नहीं, हम अस्पताल में हैं। हमारी तबीयत कैसी है? उका है कि थोड़ा दस्त टाइप का हो रहा है। हाँ उका बिंदुमती है नहीं ना आजकल, तो बस बाहर का खाना पीना खा रहे हैं इसकी वजह से। हाँ हम थोड़ी देर में फोन करते हैं। हाँ बस यहाँ से निपट के बाहर निकलेंगे ना, तो फिर फोन करेंगे। ठीक है, हाँ 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 जी। कछुआ चाचा तो बताइए कैसे हुआ ये सब? हम जा रहे थे। मोटरसाइकिल वाले ने टक्कर मार दी, टांग टूट गई, दो फ्रैक्चर है। अरे कछुआ चाचा बहुत किस्मत वाले हैं आप, बच गए। कहा है ना कि हमारे मामा के साथ भी ऐसा ही हुआ था, पूरा का पूरा ट्रक जो है ना उनके ऊपर से चला गया था। वो तो कहिए हाथ ऐसे और पैर ऐसे करके जो है ना चारों पहिया के बीच में लेट गए थे, तो पूरा का पूरा ट्रक उनके ऊपर से निकल गया। हाँ वो पैर में थोड़ी सी चोट लगी थी, पैर सूज कर ना एकदम जो है हाथी जैसा हो गया था। 18 महीने बिस्तर पर पड़े रहे। एक मिनट ललन जी, तो मोटरसाइकिल वाले को काहे नहीं पकड़े? अरे मुकुंदी बाबू, हम गिर गए थे ना, कैसे पकड़ते? कौन डॉक्टर इलाज कर रहा है? वो कुछ डॉक्टर झा हैं। डॉक्टर झा? हाँ। अरे उसको तो हम जानते हैं भाई। अच्छा, वो मूछ वाले गंजे गंजे? अरे वो डॉक्टर नहीं, कंपाउंडर है भाई, नकली डिग्री है उसके पास। कब बात कर रहे हैं? पीडब्ल्यूडी के बाहर जो है वेल्डिंग का काम करता था। आपने अपनी हड्डी जुड़वाई थी का उससे? अरे हम कहा जुड़वाएंगे अपनी हड्डी उससे, हम कौन ऐसे वैसे आदमी है का? लल्लन जी पीडब्ल्यूडी में काम करते, पीडब्ल्यूडी में बता दे रहे हैं नहीं तो। अरे भाई हम तो डॉक्टर से अपनी हड्डी जुड़वाएंगे, ऐसे 200 डॉक्टर हैं हमारे पास। होते हैं किसी किसी के पास 2 डॉक्टर होते हैं, हमारे पास तो एक भी नहीं है। अब किसी किसी के पास एक भी डॉक्टर नहीं होता है। आप चिंता नहीं करें कछुआ चाचा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, आपको कुछ नहीं होगा, देखना कुछ ही दिनों में आप दौड़ने लगोगे। कहा लल्लन जी, आप कुछ नहीं बोलेंगे? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। हम कह रहे ना अब बोलिए। अच्छा अब बोलते हैं, वैसे हड्डी टूटी कहां से है? यहाँ। हाँ हेलो, हाँ माया चाची, हाँ फाइल आ गए। अच्छा टोटल शादी तय हो गई है? अरे भाई तो बड़े खुशी की बात है। हाँ वर्मा जी, अरे पार्सल तो पहुंचा दिया था। देखिए बात दरअसल ये हुई कि हाँ कछुआ चाचा एक इम्पोर्टेंट कॉल है, जरा बात करके आते हैं। हाँ सुनिए, शादी का सुनिए, हम जाने में हाँ बिंदुमती को लेके आएंगे। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, हाँ अच्छा प्रणाम चाची। हाँ माया चाची, मुकुंदी बाबू कहाँ चले गए? चले गए, आप नहीं जाइएगा? हमसे किसी ने कहा ही नहीं। अब हम कह रहे हैं जाइए। हाँ तो आप जाते हैं। अरे मुकुंदी बाबू, अरे हटो भाई मुकुंदी बाबू। कितना प्रेम करते हैं आपसे सब, बार बार हाल पूछने आ रहे हैं। कभी कभी लोग बार बार एक ही हाल पूछने आते हैं।
Oh,